बदतमीज दुल्हन कुली गाइस ये रहा कुली घर से ही होगी ऑफकोर्स, बाहर तो मैंने निकलना है नहीं। अब तो अगर मैं निकली ना तो सबसे दुनिया की बेगैरत बेशरम दुल्हन मैंने ही होना है। फिर तो मैंने खुद अपना लिस्ट में नाम लिखा। तो गाइज आज है हमारी मेहंदी और सुबह से मैं मरीज पड़ी हुई बैठी थी, मेरे को दर्द हो रही थी। फिर मौसम का हाल भी मैं आपको बताती हूँ ना, मौसम की जानकारी मैं आपको डेली बताती हूँ तो अभी भी बताना जरूरी समझती हूँ। 2 घंटे से बारिश लग रही है पिछले 2 घंटे से, सुबह से थोड़ी धूप थी पर अभी नहीं है, पर इसके आगे ना ठीक हो जाएगा मौसम। तो अभी मेरी बकवास कभी खत्म होनी नहीं है, इस टाइम पे भी नहीं खत्म होनी है हालांकि मैं मरीज पड़ी हुई बैठी हूँ। बहरहाल आज मैं आपको नए मेहमानों से मिलाने वाली हूँ यहाँ पे। अब बहुत से लोगों को इंतजार था मेरी हर एक चीज का, छोटी छोटी चीज का, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और उसमें से सबसे बड़ी चीज है मेरी वेडिंग का जो मेकअप है, ब्राइड को तैयार कौन कर रहा है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी मेरे को तैयार कौन कर रहा है मेहंदी के दिन और निकाह के दिन। और कल हम शूट भी जरूरी है, कल कुछ नहीं है, कल बारात आएगी 4 बजे, सॉरी 4 डेट को बारात आएगी, तो उस दिन हमें शूट के लिए तैयार होना है खाली, बाकी हमारा कुछ नहीं है। और बता दूं कि वो भी वहां से निकल चुके हैं, वो कल शाम को पहुंचेंगे। बहुत होगी बकवास, अब मैं आपको मिलवाती हूँ। यहाँ पे है नजमा जो बदरवाई कूड के नाम से इनका पेज है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, शायद मैक्सिमम लोग इनको जानते भी होंगे। नजमा Yes. कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप करने वाले हो आप? बस अभी आप व्लॉग ऑन रखो और हम सब लोगों को दिखाएंगे। हाँ, मेकअप मैं भी इनका मेकअप ना सिर्फ ऑनलाइन ही देखती थी इंस्टाग्राम पे, आज मैं भी खुद देखूंगी सामने सामने। लेकिन एक बात है ना, लाइटिंग का बहुत बड़ा इशू हो रहा है भद्रवा वालों, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बोलो। मैं कल के व्लॉग में क्या इशू हुआ था, हल्दी के व्लॉग में मैंने व्लॉग बनाया, उसके बाद सीट पर बैठ के आप लोगों के लिए एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग भी हो गई, एडिटिंग नहीं हुई पहले तो लाइट नहीं थी, बैटरी नहीं थी फोन में, फिर इन्वर्टर पे चार्जिंग पे लगाया नीचे जाके चाचू के, उसके बाद फिर फोन लाया 6:30-7 बजे जब मैंने पोस्ट डाली तब मैं एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग होने के बाद क्या हुआ कि फिर से बैटरी प्रॉब्लम हो गई फोन में, आईफोन में आपको पता है कि चार्जिंग होना चाहिए, फिर थोड़ी सी लाइट आई फिर चार्ज पे लगाया और फिर मैं अपलोडिंग करने में लग गई, और अपलोड करने में 5G में भी इतना टाइम लग गया कि 10 बज गए हैं, 11 बज गए, वो अपलोड नहीं हुआ। फिर मैंने पोस्ट डाली थी कि नेक्स्ट डे अपलोड होगा, तो आज मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा। जीनू को स्टार्ट कर दिया है मेकअप और वो रही जीनू, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे मेकअप वगैरह के कपड़े नहीं लगाए यार, मन ही नहीं कर रहा कपड़े लगाने का, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मेरे को मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरे को घर से कपड़े ला लेने में घर भी नहीं गई। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, तभी बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा बारिश है बाहर और मेनू का भी मेकअप हो रहा है वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे कम्बल लेके बैठी हुई है।
था हमारा फाइनल लुक और यहाँ नहीं कर लो, नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो अभी ना मेहंदी लगने वाली है तो और बहुत ज्यादा पहले ही ठंड है तो आपको पता है मेहंदी लगाते ही कितनी ठंड लगती है तो वो मुझे बर्दाश्त कर रही है। हाँ अभी लगा अभी लगा रहे हो अभी लगाएंगे रात का लाइट नहीं ना हुई लाइट वालों ने ना बड़ा परेशान किया हुआ लेकिन वैसे लाइट वालों की गलती नहीं है। यहाँ पे नजमा ने कॉल की थी किसको की थी आपने कॉल तहसीलदार अभी आएगा हाँ तो उन्होंने कहा कि पेड़ गिर गया ये हमारी गलती नहीं है तो इसीलिए अभी लाइट आई थी फिर चली गई अभी तो अभी ना मेरी मेहंदी का टाइम हो गया है तो मैं आपको पहले अभी दिखाऊंगी कि पाँव में मेहंदी लग रही है उसके बाद दिखाऊंगी फुल मेहंदी अभी दिखाती हूँ थोड़ी सी जो स्टार्टिंग है। सो गाइस ये है डिजाइन और ये नजमा ना यहाँ पे छापने वाली है छापना ही बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट मेहंदी लगाती है। मेहंदी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेकअप तो मुझे पता नहीं चलता मेकअप का क्या सीन है मेरे को मेकअप का एम भी नहीं पता होता लेकिन मेहंदी इनकी मुझे बहुत सही लगती है। अब देखते हैं जब फुल हो जाएगी ना तब मैं आपको दिखा दूंगी। क्या अगर आप लोगों को दिखाना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना पहले दुल्हन छोड़ के ब्लॉगिंग करना जरूरी है। मैं ब्लॉगर भी तो हूं दुल्हन से पहले अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन है इस घर में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बस 2 दिन एक आज एक कल कुछ होगा और कुछ होगा इन लड़कियों ने मेरे बाप को यहाँ से भगा दिया सारी ये बहुत बदतमीज दुल्हन है फ्रेंड्स मैं बदतमीज हो चुकी हूँ 3-4 दिनों में पता नहीं क्यों हो गई हो ये लाइट आ रही है जितनी बदतमीजी करनी है आगे करवाएंगे बदतमीजी पे वाला पे ऑन करना। तो मैं YouTube फैमिली कब मेहंदी लगाना शुरू की थी और अभी ना 12 बजे 1 बजे कंप्लीट हो चुकी है। वैसे ना पता क्या होता है मैक्सिमम रात के 3 बज जाते हैं लेकिन मैंने जल्दी स्टार्ट की थी और नजमा इतनी तेज है कि इसने ना मेरे को जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दी लेकिन मैं इतनी बदतमीज बेगैरत दुल्हन हूँ कि मैंने ना नाच नाच के मेहंदी खराब कर दी है थोड़ी सी मेरे बालों ने आधी खराब कर दी और मेरे कपड़ों ने आधी खराब कर दी मैं कपड़ों में मेहंदी लगती है खाऊंगी नहीं तो गाइस सर आ रहा है गाइस यहाँ पे हो रही है जिनू की बातें वहाँ पे रियल चल रही है और यहाँ पे कैमरामैन चल रहे हैं और दिखाइए कैमरामैन कितने लोग ये देखो एक ये देखो मेरे फोटो अभी तक नहीं लिए हुए हैं मुझे फोटो लेने दे नहीं रहे खुद ही ले रहे हैं सारे रील फोटो मेरी टर्न है पहले मेरे साथ देंगे आप ठीक है मेरे फोटोज कहीं है ही नहीं मैं हूँ ही नहीं ये देखो भाई हेलो तो मैं जम्मू से आई हूँ सिर्फ और सिर्फ शादी खाने के लिए नहीं यार तू मेरी पीछे से वायरल हो आप यार आ गया आ गया आ गया ऑन रखा है हमें कंटिन्यू ऐसे आ गया भूल गया था मुझे सामने बैठी यार मैं तो पहले ही आई हूँ अच्छा कुछ नहीं गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताना क्या व्लॉग बना ही नहीं पाई तो कुछ बोल ही नहीं पाई तो यार 2 मिनट तैयार हुई फिर मेहंदी लगाने बैठ गई पता नहीं चला तैयार हुई और उससे पहले क्या कर रही थी उससे पहले सोई थी मैं बीमार थी मैंने पहले बता दिया स्पेशली ना जीनत के लिए गाइस वाइज छोड़ो यार ये गाइस वाइज मत किसका बोल रहे हो आगे YouTube फैमिली जीनत की YouTube फैमिली जीनत की जीनू आर्मी है ना जीनू राइट्स है ये Instagram राइट्स आर्मी जो भी तो मैं जीनत के लिए आई हूं ठीक है
फिर भी मैं आई हूँ, अब उसको तो कदर नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अब मैं किसी के लिए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रहने दो। शाबाश शाबाश, एक बार हम आपको अवार्ड देंगे। किसके लिए? कंट्रोवर्सी शुरू करने की नहीं, मुझे नहीं करनी किसी के साथ कंट्रोवर्सी। माही मेरी तभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं। इधर आओ, एंड करते हैं। प्लीज आप नहीं आना, प्लीज थोड़ा पीछे रुको, मैं भी जाती हूँ। यार ये रख दुपट्टा। गाइज आज के ब्लॉग में मैं ज्यादा बना नहीं पाई क्योंकि क्या नहीं बोलूं आपको, खाना नहीं बना पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई। सुसु रुक नहीं रहा है इतना, मतलब अभी भी आ रहा है, अंदर टैंक फुल है, मगर क्या करूं, जान रही है। गाइस चेक करो नैन की बातें, नैन की बातें चेक करो। मैं नजमा को पूछ रही थी आपके किसी ब्राइड को वॉशरूम बाथरूम मत बोलना। तो मैं यही पूछ रही थी वॉशरूम, जब ब्राइड को जब मेहंदी लगती है तो वॉशरूम कैसे जाती है वो, पर इन्होंने कहा कि हमारी ब्राइड जाती ही नहीं है वॉशरूम, शायद उनको आता ही नहीं है। डायपर लगा के होते हैं, पर मुझे आया, मैं क्या करूँ। अगर जो जीनत ने क्वेश्चन पूछा है ये पॉइंट है, पॉइंट है। तो अगर कोई ब्राइड तो मुझे बताना यार कि जब मेहंदी लगी होती है गीली होती है तो वो वॉशरूम कैसे जाती है, बहुत जोर का जब वॉशरूम आता है। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और पहले तो जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक से कमेंट करो आज का ब्लॉग कैसा लगा। ये तो आज में ऐसा हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रो ले, शर्म कर ले थोड़ी सी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।